For a mother is called child law, child labor. As per Constitution of Pakistan, Article 48, no child aged below 14 years can be engaged in any factory or any other workplace which can hinder his mental, physical and emotional safety. Now, I think if I will give my presentation, it will be better for the पहली क्वेश्चन है बिफोर सिलेक्ट सिचुएशन उनने पहले यह हल क्या सेक्टर हुआ कौन से वो सेक्टर्स थे जिनमें चाइल्ड लेबर था तो हमने इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश की है पहला सेक्टर थी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर और दूसरा रनिंग शॉप और तीसरा है मेल सर्वेंट उसमें गैरेज पर बच्चे काम करते हैं डेली करते हैं लेबर गैदरिंग करते हैं कल्टिवेशन करते हैं शॉप पर काम करते हैं सर्वर सर्वर कुछ होते हैं घर के भाजपे होते हैं और फॉर्मी होते हैं कृषि करते हैं मोटर भी जो बच्चे इस तरह से कह रहे थे जिसे बनाते हैं अब या आपको गाड़ियाँ वगैरह जो इस तरह से वॉश करने में होते हैं सिंगल्स पर खड़े होते हैं या इतनी जो पेटी वर्क्स होते हैं वो करते रहते हैं तो ये बहुत सी फायदे हैं इनके ये तीन मेन सेक्टर हैं जिनके बच्चे इनके चलते चाइल्ड लेबर इनके थ्रू होता है और उसके बाद जेंडर की जो पोजिशन है वो डायरेक्टली जो होती है मेल पे होती है 90% मेल जो है वो इसको होता है और 10% फीमेल बट अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो बहुत आरक्षी होती है वो स्किली डिस्टर्ब होती है ज़्यादा जो बच्चा घर से नहीं जाती सपोज माँ काम पे जाती है खुद बच्ची को नहीं भेजती और बच्ची को वो छोटे जो और बच्चे छोटे बच्चे हैं उनके हवाले करती आप संभालना और मैं जा रही हूँ काम पर तो वो डेर वो कोई ऐसा चाइल्ड लेबर तो नहीं मगर वो चेक जरूर हो रही है विद्यालय में और उसके बाद ये है कि रीजन रीजन के जो बोर्ड ऑफ कंटेंशन है सबसे बड़ा रीजन है वह पॉवर्टी उसके बाद अंडर एयरनेस जिसका सर ने कहा कि लोगों को राइट्स तो पता ही नहीं है हमारे राइट्स हैं क्या फिर वो मांगे कैसे पता ही नहीं है करना क्या है हमें होना क्या चाहिए वो मिलेगा कैसे राइट्स का पता भी नहीं है कुछ पता नहीं है उसके बाद है सोसाइटी सोसाइटी भी अपना कोई रोल प्ले नहीं कर पाती वो जो बच्चा बड़ा होता है जो बंदे जो सिस्टम जो पीपल रहते हैं यहाँ पर वो भी सोसाइटी को देखते हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं शायद हमें भी ऐसा ही करना चाहिए उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हम जो हमारे यहाँ जिस खट्टा की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही फसूदा हो गया है उसमें कुछ भी चार ही नहीं है बहुत ही स्कूल क्लोज है और ओपन भी है अगर तो उसमें टीचर जाते नहीं है अगर टीचर जाते नहीं है तो वो पढ़ाते नहीं है तो अगर कोई कहे जाते कि भाई हम बच्चा भेजे थे स्कूल तो फिर बहुत कहेगा क्या जाता है यहाँ पर सिलेक्ट में पोजिशन ये थी कि एग्जाम यानी कि बच्चे तो पढ़े नहीं इस तरह की वजह से स्कूल बंद थे और जब एग्जाम का टाइम हुआ तो एग्जाम उनके बच्चों के यानी पढ़े नहीं तो एग्जाम हो गए पूरा साल नहीं पढ़े बच्चे मगर उनके एग्जाम्स हो गए ज़्यादा तो फिर वही होगा उनकी लेवल क्वालिटी वही होगी और कुछ ऐसे भी स्कूल थे उनके एग्जाम भी नहीं हुए एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए और भी फिर भी वो बच्चे पास हुए घर से घर के लोग ऐसी रिपोर्ट दे देंगे बच्चे का नाम पास हो गए तो ये सिचुएशन देखकर लोग बच्चे स्कूल नहीं गए और फिर जो भारत बच्चे हो जाते हैं वो दायरे में वो चाइना में भी हो जाते हैं उसके बाद कस्टम्स भाई मैं जो है हाल ही तो मेरा बच्चा भी हाल ही में नहीं था उनको एक बार ये सहन मिला होता है वो बचपन से ही बच्चे को अपने साथ ले जाता है वो बच्चा देखते रहता है मेरा बाप क्या कर रहा है और उसको जहन बनता है इसी से मुझे यही करना है और कुछ मुझे करना ही नहीं उसका माइंड ही नहीं बना होता उसके बाद गवर्नमेंट का जो रोल है सबसे बड़ा रोल है ये सारी बहुत बहुत बड़ी कमीशन बनी हुई है ह्यूमन राइट्स कमीशन बनी हुई है सबसे बड़ा हुआ है यहाँ पर हमारे पास डी पी ऑफिस में ह्यूमन राइट्स कमीशन की ऑफिस है मगर हमारे इसके बंदों को पता ही नहीं है क्या यहाँ पर और वो क्या कुछ कर रहे हैं नथिंग इज बीइंग डन और एनजीओ एनजीओ अपनी तरफ से कोशिश
तो करते हैं, मगर जो रिस्पॉन्स जो है लोगों का, सोसाइटी का, जो जब नहीं मिलता है तो फिर उनके पास और उससे भी ज़्यादा उसको काम बहुत करने का काम करना चाहते हैं, मगर जब चले जाते हैं जहाँ उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो सिर्फ इन लोगों का फाइट कम के लिए बैठे कि भाई आप दोगे क्या थिंकिंग। और अफ्टर पिलर्स, अफ्टर पिलर में भी यही कहा था कि सेक्टर जेंडर और वेरियस रीजन वाइज आप बनाए, तो जो सेक्टर वाइज और जेंडर वाइज तो वही सिचुएशन सेम है, वही सेक्टर है जो अभी बच्चे उसकी कैलिब्रेट कर रहे हैं, मगर जो रीजन है उसमें ये और रीजन बढ़ाए पिलर के बाद कि स्कूल जाना बच्चे छोड़ गए, जब वो फॉरन हो गए तो फिर लेबर चाइल्ड लेबर बढ़ गया, भाई बच्चे फॉरन बैठे अब क्या करें, स्कूल बंद है और वो अगर खुला भी है तो उसका माइंड अभी नहीं बन रहा स्कूल जाने के लिए, फॉर गए तो उसको चाइल्ड लेबर का रेशो बढ़ गया, वो फिर बच्चे वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कहीं दुकानों पर या कुछ ना कुछ वो उस तरह से वो केस बनते जा रहे हैं।